वहीं श्रीनगर में बारिश में पहाड़ दरक रहे हैं, जमीन धस रही है, तो वहीं उफनती नदियां लोगों की मुश्किलों को और भी ज्यादा बढ़ा रही है। ये डंपर देखते ही देखते कई फीट नीचे बरसाती नाले में जा गिरता है। महज कुछ सेकंड्स के भीतर ही ट्रक धड़ाम से नीचे गिरता है। ये तस्वीरें श्रीनगर के बिलकेदार इलाके की हैं, जिस जगह ट्रक खड़ा था वहां कुछ लोग वीडियो बना रहे थे। जैसे ही ट्रक के पास हलचल हुई वो एक्टिव हो गए। फिर लोगों की आंखों के सामने ही ट्रक के नीचे की जमीन धंसने लगी और ट्रक नीचे की तरफ गिरने लगा। कुछ ही देर में ये ट्रक कई बार पलटते हुए बरसाती नाले में जा गिरता है। इतनी ऊंचाई से गिरते ही ट्रक का अगला हिस्सा अलग हो गया। देखिए इस तस्वीर में ट्रक दो हिस्सों में टूटा हुआ नजर आ रहा है। गनीमत रही कि हादसे के समय ट्रक में कोई सवार नहीं था, वरना जान का बच पाना बेहद मुश्किल होता। एबीपी गंगा के लिए श्रीनगर से मोहन कुमार की रिपोर्ट। और कर्णप्रयाग में रानीखेत हाईवे पर चट्टान खिसकने से हाईवे बंद हो गया। हाईवे के बंद होने से वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और उसके बाद चारधाम की यात्रा करने वाले लोगों को भारी मुश्किलें झेलनी पड़ रही। हाईवे बंद होने से लोगों को खाने पीने की समस्या हो रही है। हाईवे को अभी तक नहीं खोला गया है, हालांकि हाईवे को खोलने का काम लगातार जारी है। तो आप देख रहे हैं तस्वीरें किस तरीके से हाईवे को खोलने की कवायद चल रही है, लेकिन जगह जगह पहाड़ दरक रहे हैं, रास्ता जाम हो रहा है। तो ये मुश्किलें आम है और तेज बारिश का अलर्ट है, तो ऐसे में ये और बढ़ सकती है, इनमें और इजाफा हो सकता है। मानसून की बारिश ने पहाड़ के लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। दरक से पहाड़ लोगों की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। धारचूला में भी पहाड़ी दरकने का खतरनाक वीडियो सामने आया, तो वहीं दूसरी तरफ उत्तरकाशी में पहाड़ी दरकने से गंगोत्री हाईवे बंद है। धारचूला में दरकती पहाड़ी की ये तस्वीर लोगों के दिलों में खौफ पैदा कर रही है। देखिए ये पहाड़ी कितने खतरनाक तरीके से दरक रही है। ऐसा लग रहा है मानो पूरा पहाड़ ही नीचे की तरफ खिसकने लगा है। बड़े बड़े पत्थर और मलबा नीचे की तरफ गिर रहा है, उनकी आवाज दूर तक सुनी जा सकती है। जैसे ही ये मलबा नीचे की तरफ बढ़ता है धूल का गुबार उठ जाता है। जरा सोचिए अगर इस लैंडस्लाइड की चपेट में कोई आ जाता तो क्या होता। मलबे की चपेट में आने से हाई टेंशन लाइनें क्षतिग्रस्त हुई हैं। गनीमत रही कि जान माल का नुकसान नहीं हुआ। उधर मानसून की बारिश उत्तरकाशी में भी आफत बनकर बरस रही है। गंगोत्री नेशनल हाईवे मलबा गिरने से कई जगह बाधित है। बंदरकोट, धरासू और मनेरा बाईपास के पास गंगोत्री नेशनल हाईवे बाधित है। लैंडस्लाइड की वजह से गंगोत्री नेशनल हाईवे पर सफर करना जान को जोखिम में डालने जैसा है। एबीपी गंगा के लिए उत्तरकाशी से दिग्वीर बिष्ट के साथ धारचूला से नीरज की रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।